10 नोव्हेंबरची भाजपाचे उमेदवार अमोल हरिभाऊ जावळे यांच्या प्रचारार्थ संपन्न झालेल्या फैजपूर शहरातील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभेची विशेष बातमी. दिनांक 10 नोव्हेंबर रविवार रोजी फैजपूर शहरात महायुतीचे भाजपाचे अधिकृत उमेदवार अमोल हरिभाऊ जावळे यांच्या प्रचाराकरिता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आले होते. दरम्यान त्यांच्या सभेला मोठ्या संख्येत महिला पुरुषांची गर्दी जमली होती. या सभेत त्यांनी महाविकास आघाडीवर कडाडून हल्ले चढवले. विधानसभा निवडणुकीत रावेर विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे भाजपाचे अधिकृत उमेदवार अमोल हरिभाऊ जावळे यांचा प्रचार सध्या जोमाने सुरू आहे. त्यांच्या प्रचारार्थ फैजपूर शहरात दिनांक 10 नोव्हेंबर रविवार रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सभा संपन्न झाली. या सभेमध्ये त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. बघूया काय म्हणाले अमित शहा. मैं आप सभी का दो हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं. मुझे आने में काफी देर हो गई है. आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषित करना था, वहां पर देरी हो गई, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी करता हूं. भाइयों बहनों, ये 10 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज के दिन को न केवल महाराष्ट्र, पूरा देश शिव प्रताप दिवस के रूप में मनाता है. आज के ही दिन 1659 में महान शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कर भगवा फहराने का काम किया. आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं शिव प्रताप दिन पर आपको अपील करने आया हूं कि महाराष्ट्र में भी शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा और महायुति की सरकार बनाइए. महायुति सरकार. भाइयों बहनों, ये जो अगाड़ी है, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है, इनका एकमात्र उद्देश्य है सिद्धांतों से समाधान कर एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना. और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी का उद्देश्य है शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर महाराष्ट्र को देश का नंबर एक राज्य बनाना. नंबर एक राज्य. हम जहां मैं यहां जब आया हूं तब मैं अगाड़ी वालों को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे तीनों एक दल के अंदर लड़ रहे हैं, आप मुझे बताओ भाई, ये राहुल बाबा हमारे सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं, रावेर वालों आप लोग उससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो. आज मैं कहकर जाता हूं, उद्धव जी, आप में अगर दम है तो राहुल बाबा से सावरकर जी और बाला साहब ठाकरे के लिए दो अच्छे शब्द बुला दो भैया, दो अच्छे शब्द. वो नहीं बोलेंगे क्योंकि इस सिद्धांतों से बना गठबंधन नहीं है. हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए बना है. हमारा गठबंधन शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलती हुई पार्टियों का गठबंधन है. और हमारा गठबंधन महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला गठबंधन. भाइयों बहनों, अभी भी अभी
उलेमाओं के एक संगठन ने कांग्रेस पार्टी को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा है, इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण करिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 50% आरक्षण ऑलरेडी हो चुका है, बढ़ोतरी करनी है तो किसी का काटना पड़ेगा। अब 10% अगर माइनॉरिटी को देना है तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। रावेर वालों, पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी वर्ग का आरक्षण कट जाए उसमें आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो? दलितों का कट जाए इसमें सहमत हो? और आदिवासियों का कट जाए उसमें सहमत हो? ये अगाड़ी वाले सत्ता की भूख में अंधे हो चुके हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद या विधायक विधानसभा और संसद में है, माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? हमने धारा 370 को हटा दिया। मोदी जी ने आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला लिया धारा 370 हटाने का। इसका बिल लेकर जब मैं आया संसद में, ये सारे कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, ममता, ये अपने अखिलेश यादव, स्टालिन, ये सारे काऊ 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 कर वो कह रहे थे मत हटाइए भाई। मैंने बोला क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने हिम्मत की थी उरी और पुलवामा में इन्होंने हमला किया। पहले तो हमला करते थे तो कुछ नहीं होता था, मगर इस बार हमला किया, उनको मालूम नहीं पड़ा कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है। भाइयों और बहनों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। ये अगाड़ी वाले तुष्टिकरण के लिए देश की पूरी सुरक्षा को पर ताक पर लगाए हुए। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो रावेर वालों, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने, शरद पवार जी ने 70 साल तक राम मंदिर को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। आपने 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने
मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, निर्माण भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और इस बार 550 साल के बाद, 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली अपने भव्य मंदिर के अंदर बनाई, भव्य मंदिर। और भाइयों बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, मोदी जी ने औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी धड़ल्ले से सोने का बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, जब हमारी यूपी सरकार ने, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी ने औरंगाबाद का नाम जब महाराज संभाजी के नाम पर रखा, तो ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते थे। हमने 370 हटाया, ये विरोध करते थे। राम मंदिर बनाने का ये विरोध करते थे। ट्रिपल तलाक हटाने का ये विरोध करते थे। और मोदी जी अभी अभी वक्फ कानून में संशोधन लेकर आए हैं, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। रावेर वालों, ये वक्फ कानून बदल देना चाहिए या नहीं बदल देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी अभी कर्नाटक में गांव के गांव वक्फ की संपत्ति कर दिए, कई मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर वक्फ की संपत्ति हो गया। और पवार साहब, हमें आपकी मनसा मालूम है, अगाड़ी सरकार बनते ही महाराष्ट्र में भी इसका आप रिपीटेशन करने वाले हो। मगर आप लोग चिंता मत करो, मोदी जी ने तय किया है संसद के अंदर वक्फ कानून को बदलकर ये अधिकार वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहने वाला है। नहीं भाइयों बहनों, ये अगाड़ी वाले कहते हैं कि हम महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। 2004 से 14 केंद्र में और महाराष्ट्र में अगाड़ी की सरकार थी, सोनिया, मनमोहन सिंह, शरद पवार तीनों केंद्र में थे, यहां पर भी उनकी सरकार थी। मुझे अगाड़ी वाले जरा जवाब दे, 10 साल में आपने महाराष्ट्र के लिए कितना रुपया दिया? भाइयों बहनों, रावेल वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हिसाब जरा? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, मैं लेकर आया हूं। 2004 से 14 तक पवार साहब, आपने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,91,000 करोड़। कितना दिया भाई, जोर से बोलो कितना? और मोदी जी ने, इन्होंने 4 से 14 1,91,000 करोड़ दिया, मोदी जी ने 14 से 24 में 10,15,890 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को दिया। ये अगर वोट मांगने आते हैं तो रावेर वालों, इनका हिसाब पूछना। भाइयों और बहनों, उत्तर महाराष्ट्र के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। 50 साल से लंबित नीलमंडे डैम का काम हमारी सरकार ने पूरा किया। नार पार गिरना परियोजना, इसका काम चालू किया। नासिक पुणे रेलवे को स्वीकृति दी।
55 लाख किसानों को हमने उत्तर महाराष्ट्र में 12,000 रुपया हर साल देने का निर्णय किया और फिर से यूपी की सरकार बना दो, 12,000 का 15,000 रुपया किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। 1150 करोड़ से 1600 किलोमीटर सड़क उत्तरी महाराष्ट्र में बनाई, 67 लाख गरीबों के बैंक खाते खोले गए, 16 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 11,35,000 गरीबों के घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया, 67 लाख गरीबों को हर महीना 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को देने का काम किया, 67 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा आयुष्य का खर्चा हमने दिया, 16 लाख घरों में शौचालय बनाए और पीएम जनधन योजना के तहत भी ढेर सारे काम किए। यहां बहुत सारी बहनें भी आई हैं, लाडली बहन योजना का 1500 का चेक आता है या नहीं आता है, जरा जोर से बोलो आता है या नहीं आता है। ये अगाड़ी आएगी तो बंद कर देंगे, इन्होंने इसका विरोध किया है, मगर चिंता मत करो, मैं पूरे महाराष्ट्र में जाकर आया हूं, महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार। और महायुति की सरकार बनते ही आपका 1500 रुपये को बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पीएम किसान के जरिए हर किसान को 15,000 देंगे, 20% एमएसपी बढ़ाई जाएगी, वृद्ध विधवा और दिव्यांग का पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपया किया जाएगा। एक बहुत बड़ी अमाउंट मूल्य को कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सुनिश्चित की जाएगी और 25 लाख नौकरियों का सृजन हर साल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 ट्यूशन फी देंगे, 45,000 गांव में पंडन सड़कों का निर्माण करेंगे, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को 15,000 का वेतन और स्वास्थ्य का बीमा देंगे और विजन महाराष्ट्र के तहत 100 दिन में महाराष्ट्र को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का कार्य योजना भी। भाइयों बहनों, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्योग नहीं आ रहे। मैं आज अगाड़ी के लोगों को जवाब देना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, तो एफडीआई में महाराष्ट्र 4th नंबर पर गिर गया था। देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने, एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 2 साल से पूरे भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई अगर कहीं आता है तो अपने महाराष्ट्र में आता है, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर महाराष्ट्र। माताओं भाइयों बहनों, ये अगाड़ी सरकार महाराष्ट्र का भला कर नहीं सकती। ऊपर आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, नीचे भी महायुति की सरकार बनाइए, ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र को नंबर 1 पर ले जाएगी, नंबर 1 पर ले जाएगी। मुझे बताओ रावर वालों, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, जरा जोर से बोलो, दबाओगे क्या?
सारे विधानसभा के प्रत्याशी आ गया हो जरा, हमारे सारे प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? देश को सुरक्षित करोगे क्या? मुस्लिम आरक्षण अटकाओगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, मुट्ठी भींचे। और आज शिव प्रताप दिन है, मेरे साथ जोर से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की। यहाँ पर डॉक्टर गुणवंत राव जी भी आए हैं, उन गुणवंत राव जी का स्मृति दिन है, हमारे पूर्व सांसद गुणवंत राव जी को भी मैं प्रणाम कर मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा फिरायला जायचं आहे, त्यासाठी विश्वसनीय टूर अँड ट्रॅव्हल्स म्हणजे जिमराह टूर अँड ट्रॅव्हल्स, गोवा हॉटेल बुकिंग, गोवा टूर पॅकेजेस, गोवा वॉटर स्पोर्ट्स आणि डिनर क्रूज सह विविध ॲक्टिव्हिटीज जी आपण घर बसल्या बुक करू शकतो आणि तेथे जाऊन त्याचा आनंद घेऊ शकतो। कशा पद्धतीची ॲक्टिव्हिटीज आहे ऐका जिमराह टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे व्यवस्थापक जावेद आलम यांच्याकडून। हॅलो दोस्तों, मेरा नाम है जावेद आलम। मेरे ऑफिस का नाम है जिमराह टूर अँड ट्रॅव्हल। आप जब भी गोवा आए आप यहाँ से पैकेज ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का पैकेज ले सकते हैं, और आप एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स है, दूध सागर वाटरफॉल है, डिनर क्रूज है, और यहाँ से गोवा टूर पैकेज ले सकते हैं, होटल बुकिंग आप करा सकते हैं आप यहाँ से। तो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको स्क्रीन पर आ जाएगा पूरा, ये गोवा में कहाँ पर ये ऑफिस हमारा लोकेटेड है। जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से बीच है, जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, और ये कलंगूट के एरिया आता है। और आपको कभी भी आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कुछ ऐसा चीज़ है, स्क्रीन पर हमारा नंबर आएगा, आप हमारा नंबर से कॉल कीजिए, आपको करेक्ट हम लोकेशन देंगे, आप हमारे ऑफिस में आके विजिट कीजिए। गूगल पे भी आप हमको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी हम मिल सकते हैं। इवन हमारा गोवा टूरिज्म में रजिस्टर्ड है, गोवा टूरिज्म के साइट पे जाके भी आप जिमराह टूर्स एंड ट्रैवल्स आप सर्च कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारा फेक वीडियो चल रहा है, बहुत सारे फेक ऑफिस वाले बैठे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको स्क्रीन पर हमारा पंचायत का जो यहाँ का ट्रेड लाइसेंस है वो मिल जाएगा, टूरिज्म सर्टिफिकेट जो टूरिज्म लाइसेंस है वो मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो आप कभी भी कोई बुकिंग कर सकते हैं, प्लीज़ आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन भी और विजिट करके भी, प्लीज़ आप आए और बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं, आप आ जाइए करा लें। ये डिनर क्रूज का है, ये आपको पिकअप एंड ड्रॉप के साथ मिल जाएगा, इसमें डिनर रहेगा, इसमें 3 फोक डांस रहता है, गोवन डांस, बॉलीवुड डांस और पुर्तगाली डांस रहता है, और प्राइवेट डांस भी रहता है। ये ओनली फैमिली डिनर क्रूज, फैमिली वालों के लिए 110% गारंटेड। ये स्कूबा डाइविंग वाटर स्पोर्ट्स का है, ये पूरा कम्बो का पैकेज है, आपको ग्रैंड आइलैंड है, यहाँ ग्रैंड आइलैंड मिलता है आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, आप कभी भी आके ऑफिस विजिट करके कर सकते हैं, फोन करके भी आप बुकिंग कर सकते हैं, तो प्लीज आप कभी भी आइए। ये साउथ गोवा नॉर्थ गोवा का पैकेज है, ये एसी लग्जरी बस जाती है हमारी 2x2 की, आपको कभी भी कराना बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा, बहुत रीजनेबल प्राइस में। थैंक यू। ट्रेड लाइसेंस है, यहाँ का पंचायती लाइसेंस होता है, ये ट्रेड लाइसेंस ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गोवा टूरिज्म का लाइसेंस है, आप गोवा टूरिज्म के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ये हमारा लाइसेंस है।